ये चंद्र लेखा जैसी शदाया लड़की से ना अपने पम्मी का विवाह ना करवाना। इसके हाथ में तो खून लिखा हुआ है, खून। इसमें सिर्फ उसकी नहीं, तेरी भी भलाई है। तुझे भी समझ में आ जाएगा कि शादीशुदा जिंदगी तेरी डिलन के साथ कैसे होगी। आपका आइडिया सही लग रहा है। ऑफ गॉड सेक, ऑफ कोर्स ठीक लग रहा है। डिलन सर कहाँ हैं? मैडम अभी अभी तो वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेट्स हैव अ लिव इन। सो द गुड न्यूज इज अगले 30 दिनों तक आप और मैं साथ में रहेंगे। नाउ द बैड न्यूज, एक महीने के बाद भी आप कमिट करने के लिए तैयार नहीं हुए तो हमें अलग होना पड़ेगा। और हमारे फैमिली वाले? बॉस हमें मनाना पड़ेगा। ठीक है, हम साथ में मिलकर उन्हें मनाएंगे। रिली, और आप उनसे क्या कहेंगे कि मैं आपकी बेटी के साथ बिना शादी किए रहना चाहता हूँ? या मतलब यू नो आई लाइक टू बी फ्रैंक, मैं फ्रैंकली जाके उन्हें सब कुछ बता दूंगा। नो वे, मैं उनको मनाऊंगी, पर सबसे पहले आपको मेरी बहनों को अपनी साइड करना होगा। बाय द वे, अंजलि इज ऑलरेडी ऑन अ साइड। रियली? या मेरी उनसे बात हुई थी, और अब कल सुबह हम दोनों चंडी से बात करेंगे। पागल हूँ, गुंडागर्दी करती फिरती हूँ, दौरे पड़ते हैं मुझे। चंडी क्या हो गया तुझे? यार सारे आदमी इतने चीपो क्यों होते हैं? मेरा बस चले ना तो मैं तो एक वो डिरन जो तुझे लिव इन में रहने को बोल रहा है, अरे क्या सर, चंडी का पारा चढ़ा हुआ है। पहले इशू से मिल ले। वो ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है चंडी, मैं पहले रिसीव कर लूं। पता नहीं क्या हुआ है चंडी को, उसका मूड बहुत खराब है। तो काम करते हैं, पहले उसका मूड ठीक करते हैं, हो सकता है उसके बाद वो हमारी बात सुन भी ले और समझ भी ले। पता नहीं, पता लगाते हैं। Come on, let's go. Be positive. Come on. ये चंद्र लेखा जैसी शदाया लड़की से ना अपने पम्मी का विवाह ना करवाना। इसके हाथ में तो खून लिखा हुआ है, खून। क्या सॉरी जी, गलती हो गई, माफ कर दो। आप कहो तो कन फड़ के उठक बैठक कर लूं। जोक लग रहा है आपको ये सब? मजाक लग रहा है? अगर ऐसी बातें कोई मैंने के लिए बोलता तो ने बहुत ही घटिया हरकत की है जी। मैंने समझाने का मौका था दो। अरे अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि आप अपनी ऐसी हरकत को जस्टिफाई करना चाह रहे हो। आप मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच भी कह सकते हो? अब आ गए हो कॉफी शॉप में मुझे मनाने के लिए, बिल पे सॉरी लिख के दे रहे हो। अब बैठ के ना पियो अपनी कॉफी, मैं जा रही हूँ। यार तुम्हारी चंडी बहन तो बहुत खतरनाक है। मैंने बोला था आपको, मेरी मेरी गलती। ओह, आज तो चंडी जी को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ।
कोई बात नहीं राज, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद इनसे बात करूंगा। आई डोंट थिंक आई कैन टॉक टू। सारे आदमी ना एक जैसे। सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बहन के साथ लिव इन करना चाहते थे, मना कर दिया ना उसने, तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आता एक बार में? Listen, I think I'll have to be a little brave, huh? मेरी तो सब समझ में आ रहा है चंडी जी, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? ओ हेलो, ये इंडियन कल्चर नहीं है, समझे? By the way, nice dress, huh? You're looking nice. Hot. ये वेस्टर्न ड्रेस है ना, इंडियन कल्चर का तो कोई लेना देना है नहीं इसके साथ। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि ये पहनना ठीक है, तो तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मेरे वेस्टर्न ड्रेस पहनने के पीछे इरादा गलत नहीं है। मेरा भी जो इरादा है ना कोई गलत नहीं है, शादी करने से मैं थोड़ा घबराता हूँ, आई हैव अ प्रॉब्लम। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इस रिश्ते को बचाने के लिए ना ये स्टेप उठाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, हम दोनों मतलब? तू मान गई है? हाँ, ग्रेट, क्योंकि मैं अपने प्यार को कामयाब देखना चाहती हूँ और सबको मनाने में ना तू मेरी मदद करेगी। ओ हेलो, ना मैं मदद करने वाली हूँ और ना मैं मानी हूँ, ठीक है? और तू देख लेना, इशू भी नहीं मानेगी। Just for the record, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू कैसे मान गई। तू तो खुद खिलाफ थी ना इस आइडिया के। और हाँ, ये वेस्टर्न ड्रेस वाला लॉजिक ना बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता यहाँ पे। चंडी, मैं तुझे और कितना कन्विंस करूँ? देख, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया हर चीज में। तो मैंने भी कभी किसी गलत चीज की रिक्वेस्ट नहीं की तुझसे, और मुझे क्या पता तुझे इनके साथ रहना भी चाहिए या नहीं। चंडी, तू ही ऐसे रिएक्ट करेगी तो बिन्नी दी क्या कहेंगी? और फिर ईशु तो चंडी और ईशु को मैं मनाऊंगा। You wait and watch, lady. I will convince you. तुम्हीं ने कहा था ना कि अगर रास्ते में मुश्किलें आए तो उसे साथ में मिलके हल करेंगे। मिस चंडी, विल यू होल्ड दिस फॉर मी प्लीज? मुझे तुमसे बात करनी है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भूल जाइए, आप ना मुझसे बात कर सकते ना मैं आपकी मदद करूंगी। ईशु, ये वही लड़का है ना जो तुम्हारी सिस्टर के साथ लिव इन रहना चाहता है? हाँ वही है। ईशु ने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। वी डोंट ट्रस्ट यू। लगता है बहनों ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। ईशु, एक गेम हो जाए, बहुत से गेम के एंड तक मैं बात साबित कर दूंगा कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, और इस बात का भरोसा भी दिला दूंगा कि जो डबूदी और मैं करने जा रहे हैं वो गलत नहीं है और तुम हम पर ट्रस्ट कर सकती हो। आपको लगता है आप हमें हरा दोगे? नहीं, मैं तुम्हें गेम में हराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने भरोसे के काबिल समझो। लेकिन अगर तुम डर रही हो तो ईशु किसी के बाप से भी नहीं डरती। इनको बास्केटबॉल खेलना भी आता है? बाप के साथ नहीं खेलना है, मेरे साथ खेलना है। Let's play.
तेरी बहन हार रही है पागल। स्टूपिड, मेरी बहन खराब नहीं खेल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा खेल रहा है। Because he wants to prove to Ishu that he's worthy. समझी? Yes. Go, Dylan, go. Go, Dylan, go. I mean, Alexa. Woo! Ishu. मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं, प्रूफ करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, बट आई जस्ट वांट यू टू ट्रस्ट मी। अरे अब बताओ मैं क्यों करूं आप पे भरोसा? क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा, चाहे खेल हो या कोई इम्तिहान, जब तक तुम सब मुझ पे यकीन नहीं कर लेते मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं जो सजेस्ट कर रहा था ना वो गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट है, और हम सबकी मर्जी से ही कदम उठाएंगे, वरना हमने तय किया है अगर आप लोग नहीं माने तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ईशु, चंडी, मैंने आज तक कोई भी बड़ा फैसला तुम सबकी मर्जी के बिना नहीं लिया है, क्योंकि जिस चीज में मेरी बहनें खुश नहीं होंगी वो चीज मुझे कभी खुशी नहीं दे पाएगी। डब्बू, यू आर राइट। ईशु, टीम में शामिल होने के लिए ट्रायल्स खेलने पड़ते हैं ना, तभी तो पता चलता है कि टीम स्ट्रांग है या वीक। तो फिर जब तक हम इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनकी टीम कितनी स्ट्रांग है? डब्बू, मेरा वोट तेरे साथ है। थैंक यू। पर अगर मेरी दी को रुलाए तो गोली से उड़ा देना। इशू, थैंक यू सो मच। आपको भी स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। तो अब बचे हैं विन्नी दी और माँ और पापा। अरे मैं बताऊं, विन्नी दी और माँ पापा को ना एक साथ ही मनाना, क्योंकि या तो वो तीनों एक साथ हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तो अब क्या करें? एक्चुअली मैंने कुछ सोचा है। एले, आ जाइए, खाना लग गया है। हाँ भाई, चलिए चलिए चलिए। अरे ये देखिए देखिए, तो आज काम हो रहा है भाई। हमारा स्पेशल फीचर है हमारी सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस पे। आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनमें कोई ना कोई वजह होती है, तो ऐसे में शादी के बाद पति पत्नी को ये पता चलना कि वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं और एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, तो ऐसे में शादी से पहले कुछ दिन साथ रहकर ये देख लेना कि ये रिश्ता टिकेगा या नहीं। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश के नौजवान क्या सोचते हैं। आपका लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है? इसमें खराबी क्या है? I find it cool. शादी के एक साल बाद अगर डिवोर्स हो जाए तो इससे तो अच्छा है कि दो तीन महीने साथ रह के देखें। अरे भाई, आजकल के बच्चे खुद ही समझदार हैं। क्या सही है क्या गलत है वो खुद ही जानते हैं। शादी के बाद सॉरी बोलने से बेहतर है कि सेफ रहे, नॉट बैड। सुनने में ये ख्याल शॉकिंग जरूर है, पर अगर सोचा जाए तो ख्याल इतना बुरा भी नहीं। बुरा इरादा होता है,
अगर लोग लिव इन रिलेशनशिप को एक जिम्मेदारी समझे, एक दूसरे को समझने का एक जरिया समझे और अपने नैतिक मूल्यों को ना भूले, तो लिव इन रिलेशनशिप शादी के बाद होने वाली कई प्रॉब्लम्स का सलूशन बन सकता है। डब्बू, ये सब क्या था? ये डब्बू का तरीका था हमें पूछने का कि डिलन का जो लिव इन वाला आइडिया है उसके लिए हमारी हाँ है या नहीं। बोलना डब्बू, ये सब क्या चल रहा है? ये प्रोग्राम हमारे लिए बना था, है ना? तू डिलन के साथ रहने का सोच रही है बिना शादी के? और कहीं ये सब दिखाने के लिए डब्बू ने कोई प्लानिंग तो नहीं की है? एक मिनट माँ, चलाई हमें दिखाने के लिए? मैं बस। क्या मैं बस? डब्बू ये क्या बचपना है तेरा? मैं सोच रही थी कि क्या सोचा तूने? तूने मुझे देख के भी कुछ नहीं सीखा कि आदमी कितने धोखेबाज हो सकते हैं? तो अच्छा है ना दी, सब कुछ शादी से पहले ही पता चल जाएगा। शादी कोई गारंटी नहीं होती कि पति ईमानदार रहेगा। डब्बू कैसी बात कर रही है तू बिन्नी के साथ? I'm really sorry, बिन्नी दी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि डब्बू, मैं नहीं चाहती कि जो मैं सह रही हूँ वो तुझे भी सहना पड़े। मैं समझ सकती हूँ दी, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि विक्की जीजा जी ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तू बिना शादी किए डिलन के साथ रहेगी? देखिए, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि रिश्ते का भविष्य क्या है। डिलन सर शादी करना जरूरी नहीं समझते हैं, पर मैं उन्हें कन्विंस करना चाहती हूँ कि इस रिश्ते को हम जिंदगी भर की हामी भर सकते हैं। पापा, माँ, आप लोगों को मुझ पे भरोसा करना होगा। अरे कैसे करें भरोसा जब दिख रहा है साफ साफ कि तू गलत कदम उठा रही है। और अब समझ में आए, ये दोनों को मिला लिया है बेवकूफ गई की। माँ, अंजलि भी तो फेवर में है। तो जाकर बोल दे उसे कि इसे कनाडा लेकर जाए। चलिए बस बस कीजिए आप लोग। डब्बू, तुम समझती हो ना कि साथ रहने के बाद भी डिलन तुम्हें छोड़ सकता है? हाँ पापा। फिर भी तुम चाहती हो ये लिव इन रिलेशनशिप? बेटा, आज तक मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं। और बस इसके बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। दैट इज फाइनल। मुझे माँ पापा के रिएक्शन पे कोई हैरानी नहीं है चंडी, क्योंकि मैं तो ये सोचना कोई कैसे अलाउ कर सकता अपनी बेटी को किसी और के साथ रहने के लिए। हमें हो डब्बू दी, आप इतनी जल्दी गिव अप मत करो। गिव अप नहीं कर रही हूँ ईशु, बस ये सोच के परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। माँ पापा नीचे बहुत नाराज होंगे ना। गॉड, अब जा जाकर उसे बात कर, कुछ दिमाग में अकल डाल उसके। अरे जा, देख वरना गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगी। हाँ
हाँ मैं जाती हूँ। डब्बू से बात करने से क्या होगा? वजह डिलन है, उसके दिमाग में शादी को लेकर इतना डर बैठ गया है। डब्बू भी डर गई है, डब्बू डिलन को खोने से डर रही है। तो क्या इस वजह से वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगी? पर वही तो हो रहा है, ये लड़का इस बात का बिल्कुल फायदा उठा रहा है कि डब्बू उसे बहुत प्यार करती है, अपनी मन मर्जी करवा रहा है उससे। तभी तो डब्बू ने डीवीडी बनाकर हमें दिखाई है, उसी के कहने पर। ये भी कोई बात हुई? ममता जी, अगर हम मना करेंगे ना तो डिलन उसे भाग जाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो क्या करें? उसके डर से मान जाए उसकी बेहुदी मांग? नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मुझे डिलन से मिलना है, कल उसे घर बुलाओ।